अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो, उसकी आंख में आंसू आए तो बादल गिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं, जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है, तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। ये क्या हो गया आपको? ये चोट कैसे लगी? अरे भाभी जी, चोट नहीं लगी तो और क्या होगा, पुलिस वालों से लड़ाई कर रहे थे। अरे राम, पुलिस वालों से लड़ाई? अरे बुआ चला नहीं है खेलने, गोलू हमारा इंतजार कर रहा है। चुप कर बुआ के बच्चे। माँ लिट्टी को डांटो मत ना, मैं जाती हूँ। ड्रम 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 ड्रम। अरे ये क्या कर रही है? अरे लक्ष्मी दीदी मैं अपनी स्कूटर चालू कर रही हूँ, जल्दी आ जा लीची। हाँ अरे लीची, तुलसी। अरे मास्टर जी, मास्टर जी नमस्ते। अरे नमस्ते केदार भाई, कैसे हैं आप? क्या बताऊं मास्टर जी, बस वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जा रहा था। हाँ तो मैं भी तो वहीं जा रहा था, मैंने भी अपने 30,000 जमा किए थे वहाँ पर सुना है कि आपने तो 2.5 लाख जमा किए थे। पर आपको कैसे मालूम? अरे क्या बताऊं केदार भाई, वो जो आपका छोटा भाई है ना, वो मिला था, वो बता रहा था। अच्छा केदार भाई एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, वो जो आपका छोटा भाई है ना, उसकी सोच कुछ आपके लिए सही नहीं है। मास्टर जी इसमें बुरा क्या मानना, मैं जानता हूँ। मैंने कहा तुम छोटे भाई हो, कुछ सहायता कर दो, तो उल्टा कहने लगा उनको मेरे पास आना चाहिए, और पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलने लग गया लोगों के सामने। छोड़िए ना मास्टर जी, वो है ना ऊपर वाला, सबसे बड़ा सहारा तो वही है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, पर बेटी की शादी है, बहुत ही अच्छी तरह से होनी चाहिए, किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। और हाँ केदार भाई, किसी भी तरह की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बताइएगा, मैं हूं ना। बिल्कुल मास्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इस बात से तो मेरा हौसला और भी बढ़ गया। हौसला बनाए रखिए केदार भाई, सब अच्छा ही होगा। जी मास्टर जी, इसीलिए मैं आज प्रजापति के घर जा रहा हूँ, चलिए चल के बात करेंगे उससे हम। हाँ बिल्कुल चलते हैं, भला अपनी गाड़ी कमाई लेकर वो भाग कैसे सकता है। ठीक कह रहे हैं मास्टर जी, आज उससे बात करके ही रहेंगे, आखिर हमारी कमाई का पैसा है वो। चलो अब खेल शुरू करते हैं। हाँ 1 2 3 चलो खपनो, 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 चलो मंगलो, करो करो करो, खपनो जोर लगाओ, मंगलो तुम भी, चलो खपनो, बस बस बस। चलो अब इस खेल में कौन जीता बताए। मैं तो तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। सच्ची? तुम हमारे साथ खेलोगे? और क्या, देखो तुम लोग ले क्या लेकर आया हूँ मैं, समोसा और जलेबी। मुझे समोसा खाना है। ये तो जलेबी खाऊंगा। मैं तो दोनों खाऊंगी। तुलसी इन लोगों को खाने दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी, उधर चलो ना। इधर ही करते ना, हम सब साथ में बैठ के बात करेंगे, है ना लीची? उधर चलो ना, कुछ जरूरी बात करनी है। फिर ये लोग मेरे हिस्से के समोसे और जलेबी खा जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए और ले आऊंगा। वो तो तुम बाद में लाओगे ना, अभी ये लोग खा जाएंगे, तुम इनसे कहो नहीं खाने के लिए। अच्छा देखो, तुलसी दीदी के लिए जलेबी और समोसा बचाना, ठीक है, अकेले मत खा जाना। ठीक है हम बचाएंगे। अब ठीक है चले, खाना मत बचा लेना। हाँ अब बोलो, तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठ नहीं सकती क्या? वो गोलू और पकनू मेरी जलेबी खा जाएंगे। तो क्या हो गया, मैं और ला दूंगा। सच में ला दोगे? पक्का। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, मोबाइल। मेरे लिए? हाँ।
अच्छा एक बात सुनो, मैं रात को तुम्हें फोन करूंगा तो उठा लेना। लेकिन रात को तो मैं सो जाती हूँ, कैसे उठाऊंगी? अरे सोने से पहले फोन करूंगा तब उठा लेना। अच्छा जब मैं तुम्हें फोन करूंगा ना तब ये वाला बटन दबाना। मुझे आता है, बाबूजी का फोन मैं ही उठाती हूँ। अच्छा लेकिन याद रहे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें फोन दिया। लिच्ची और खपनों को भी नहीं? किसी को भी नहीं। क्यों? वो मुझे डांट पड़ेगी ना। अच्छा तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी? हाँ डांटेगी मुझे। साथी अब मुझे जाना है, मुझे जलेबी खानी, चलो चलो। चाची आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब मैं क्या बताऊं चाचा जी, देखिए हम खुद चाहते हैं कि तुलसी की शादी अच्छे से हो। अरे भाई आखिर वो बहन है मेरी। लेकिन लेकिन बाबूजी हैं कि उनके दिमाग से कोऑपरेटिव सोसाइटी का भूत निकलता ही नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय धक्के खाने के। मुझे पता है चाचा जी, लेकिन लेकिन बाबूजी को आखिर कौन समझाए? अरे शेखर बेटा तो समझाओ उनको, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। समझा समझा के थक गए चाची जी, लेकिन उनको कुछ समझ में आए तब ना। भैया चाहते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से हो, अब ये तो संभव नहीं है ना। हाँ तो कोनो बात नहीं है, जब शादी टूटेगी तो खुद ही समझ में आ जाएगा। यही तो बात है ना चाची जी, बाबूजी ये शादी भी नहीं टूटने देंगे। वो कहते हैं अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो जमीन बेच देंगे। तो हम लोग क्या कर सकते? चाचा जी हमें तो बस आपका ही सहारा है। हाँ चाचा जी अब आखिर आप ही हमारे अपने हैं। आप वो कह रहे थे ना गुप्ता जी वो ब्याज पे पैसे देते हैं, उनसे एक बार बात करिए ना। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो अभी कर देते हैं। लेकिन उनका ब्याज जो है वो दूसरे बैंकों से ज़्यादा है। बैंक लेता है 12% और गुप्ता लेगा 15%। ठीक है आप बात करिए। अभी कर लेते हैं। हेलो हाँ गुप्ता जी नमस्कार। भाई आपसे एक छोटा सा काम था। हाँ जी देखा बहुरिया, इस सिर्फ तुम लोग के खातिर बात कर रहे हैं, नहीं तो भाई साहब का व्यवहार ऐसा कहाँ जो उनके लिए कोई बात करे। हाँ जानते हैं चाची जी, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। लो जी हो गया आपका काम। सच? और नहीं तो क्या। भाई उसके पीछे बड़े बड़े पैसे वाले कर्ज लेने के लिए घूमते रहते हैं और वो नजर उठा के भी नहीं देखता, और मैं एक बार फोन कर दूं या वहां चला जाऊं ना तो सब काम छोड़ के मेरे पीछे लग जाता है। चाचा जी आपने अपने काम की वजह से अपनी साख बनाई है। हाँ वो बात तो सही है बहुरिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबको मालूम है ना कि हमारी नैना कलेक्टर बनने वाली है और बाद में सबको जी हुजूरी करने हमारे ही दरवाजे पे आना है, तो बस इसीलिए सब लोग इनको मान सम्मान इज्जत देते हैं। चाचा जी वो पैसे कब तक मिल जाएंगे? अरे ये समझो मिल गए, कल देने के लिए कहा है उसने, कहो तो आज ही मंगवा दूं। अरे नहीं नहीं चाचा जी, इतनी जल्दी तो अपने रखे हुए पैसे भी नहीं मिलते, लेकिन आप लोगों ने जो हमारे लिए किया है वो तो कोई अपना भी नहीं कर सकता। अरे ऐसी बात मत कहो बहू, भैया ने भले ही मुझे अलग समझा लेकिन मैंने अपने आप को भैया से कभी अलग नहीं समझा। भाई हमारे घर के दरवाजे भले ही अलग हों लेकिन हम सगे भाई हैं, अब ये तो सच्चाई नहीं बदल सकती ना। देखा बहुरिया इनका दिल कितना बड़ा है। अरे बहू हमरा भी मन कर रहा है कि तुम लोग के साथ चले और दीदी और भाई साहब की खुशी अपने आंख से देखे बस। अरे तो चलिए ना चाची जी। अरे बेटा कहाँ चले, अब तुम ही बताओ, नैना के आने का वक्त हो गया ना कॉलेज से। धन्यवाद चाचा जी, हमें नहीं पता हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करेंगे। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, हाँ पैसे तुम्हें मिल जाएंगे निश्चिंत रहो, लो चाय पियो। अरे तुलसी की माँ, अरे जरा एक गिलास पानी तो पिलाना। ये लीजिए पानी। क्या हुआ जी? अरे पता है मास्टर जी भी मेरे साथ गए थे, उनके भी 30,000 रुपया जमा है। अच्छा फिर क्या होगा? ये होना क्या है, प्रजापति के घर गया था मैं, उसके घर वाले भी फरार हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अब क्या करेंगे जी? करना क्या है तुलसी की माँ, पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है,
और सरकार ने वादा किया है कि एक महीने में हमारे पैसे दिलवा देंगे। बाबूजी, अब अगर पैसे का इंतजाम दो महीने में भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुम क्या कह रही हो बहू? बाबूजी, पैसों का इंतजाम हो गया है, वो भी 3 लाख का, और कल। पर कहां से? बाबूजी, बस आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। ये क्या है बहू? बाबूजी, मैंने आपको बताया था ना, रघुनाथ चाचा ने गुप्ता जी से बात कर ली है। बस करो शेखर, बहुत हो गया। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी कर्ज लेकर नहीं करूंगा। सामान क्यों पैक कर रही हो? मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ, कहीं जा रही हो क्या? मायके जा रही हूँ। मायके क्यों? जब किसी को यहाँ मेरी कोई कदर ही नहीं है तो यहाँ रहने का क्या फायदा? तुलसी की शादी के बाद आ जाऊंगी। अरे पागल हो गई हो क्या? लोग क्या कहेंगे? ननंद की शादी है और भाभी मायके जा रही है, ऐसा कहीं होता है क्या? लोग हंसेंगे हम पर। वैसे भी कौन सी इज्जत रह जाएगी मेरी और आप? देखा नहीं बाबूजी ने कैसे कागज फेंक के फाड़ के मुंह पे मारा? रघु चाचा ने कितनी मुश्किल से बात की थी पैसे के लिए, अब किस मुंह से आप उनसे बात करेंगे? और वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमारी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कभी कुछ तो कभी कुछ कहते रहते हैं। अरे आदमी को समझना चाहिए ना, हालात के अनुसार चलना चाहिए। देख लीजिए, एक ना एक दिन बाबूजी अपनी जिद के पीछे इस घर को नीलाम करके रहेंगे। देखो मैं बाबूजी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है वो समझ जाएंगे। कितना समझाने की कोशिश करेंगे? वो छोटे से बच्चे हैं क्या जिसे बार बार समझाना पड़े? तुम चिंता मत करो, मैं माँ से कहूंगा कि वो बाबूजी को समझाएं। वो क्या समझाएंगे, वो तो खुद ही आंखें मूंद कर उनकी हर बात मानती और सारा का सारा ठीकरा मेरे सर पे फोड़ती। जैसे कि इस घर में कुछ भी गलत होता है तो वो सब मेरी वजह से होता है। यहाँ से चली जाऊंगी ना तभी अच्छा रहेगा। अरे तुम मेरी बात तो सुनो, ये जाने का ख्याल दिमाग से निकाल दो, आराम से बैठो तो थोड़ी देर। अरे आराम से तो तब ना बैठे कोई जब उसका दिमाग शांत हो, यहाँ तो मेरे दिमाग में ही तूफान मचा हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा कल कैसे मना करेंगे रघु चाचा को हम लोग। सुनिए, आप ही जाइएगा रघु चाचा के पास, मुझे तो अपनी सूरत दिखाने में भी शर्म आएगी, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि बाबूजी इतने पैसे का इंतजाम कैसे करेंगे। अरे भाई अब दिन ही कितने रह गए हैं, अब तक तो हलवाई को, बैंड वालों को, सबको एडवांस पहुंच जाना चाहिए था। अरे धीरे धीरे दिन करीब आ रहे हैं, लोग पूछेंगे नहीं कि कौन सा हलवाई किया है, बैंड वाला कौन सा है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। छोड़िए ना, जैसे चाहे वैसे करें, खेत बेचे घर गिरवी रखे, उनकी लड़की है वो जाने, मैं जा रही हूँ मायके, आप हटिए। अरे रुको, इतनी रात को कहाँ जाओगी? ठीक है रुक जाती, लेकिन कह देती आइंदा से किसी ने भी कभी भी इस घर में मेरे खेत बेचने की बात की तो कोई नहीं रोक पाएगा मुझे, कह देती। तुम्हारा खेत? बहू अभी मैं मर नहीं हूं, और मेरे जीते जी ये खेत तुम्हारा और तुम्हारे पति का कैसे हो गया? ये खेत मेरा है, जैसा चाहूंगा वैसा ही करूंगा। बाबूजी, अपनी बेटी के मुंह में इतने भी अंधे मत हो जाइए कि बेटा ही सड़क पर आ जाए। अरे मैं भी तो उसी खेत पर ब्याह के आई थी, और वैसे भी कौन से साहेब की नौकरी है इनके पास? LIC के 58 से घर नहीं चलता बाबूजी। कौन बाप चाहेगा कि उसका बेटा सड़क पर आए? बहू तुम कुछ ज्यादा ही समझने लगी हो। अरे दुनिया देखी है मैंने, तुमसे ज्यादा समझता हूँ दुनिया को, और ये जिस गुप्ता की बात कर रही हो ना तुम, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। अरे जिस किसी ने भी उससे सूट पर पैसा लिया है
कभी नहीं पनपा। कितने लोगों को जानता हूं जिनके खेत और खलियानों को कब्जा लिया है उस महाजन ने। तुम भी यही चाहती हो क्या? अच्छा, और जो खेत बेच देंगे वो वापस खरीद देंगे क्या आप? बस बाहू, क्यों आप इन लोगों से बहस कर रहे हैं? तुलसी की माँ, शेखर से कहो कि अपनी पत्नी को समझाए, जो कर रहा हूं इस घर की भलाई के लिए कर रहा हूं। आप चलिए यहां से, आइए। ये लो बेटा। विनय, तूने अपने कपड़े पसंद किए? कर लूंगा माँ, इतनी हड़बड़ी भी क्या है? कब देख लेगा, अब दिन ही कितने बचे। बस भाभी, मैं नहीं खा पाऊंगा इतना। खाइए ना, कुछ खाते ही नहीं हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। अरे सलाद तो खा लो कम से कम, सलाद के बिना तो तुम्हारा खाना भी नहीं होता। ठीक है, अभी खा लेता हूँ। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों कर रहा है? माँ भूख नहीं है ज्यादा। अच्छा सुन, तू तो शहर गया था ना, फिर अपने सूट का नाप क्यों नहीं दिया? दे दूंगा माँ, अपनी जल्दी भी क्या है। लो, हमारी साड़ियों की, जेवरों की सबकी खरीदारी हो गई, और दूल्हे राजा ने अभी कपड़ों का नाप भी नहीं दिया। कमाल करते हैं देवर जी आप भी। अब कुछ नहीं बहू, इसको कल अजीत के साथ भेजते हैं। हाँ अम्मा जी। बहुत लापरवाह हो गया है बहू, अब इसको अजीत के साथ ही भेजना पड़ेगा। लगन का समय है, कितनी भीड़ होती है टेलर के यहाँ, समय पे नहीं दिया सिल के तो। ठीक है माँ, देख लूंगा। अच्छा चलता हूँ भाभी। अरे खाना तो पूरा खा लो। नहीं भाभी, भूख नहीं है। अच्छा बेटा सुन, जूते ना काले रंग का मत लेना, शादी ब्याह में काला रंग अपशगुन माना जाता है। ठीक है माँ। क्या हो गया इसको, ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप में ही नहीं है। अम्मा जी, आजकल तो इनका दिल खाने पीने में किसी काम में भी नहीं लगता, पता नहीं कहाँ रहते। अम्मा जी, देवर जी को इनके साथ भेजना पड़ेगा शहर। वो जाएंगे और सारी खरीदारी भी करवा देंगे, कपड़ों का नाप भी दिला देंगे, वरना देवर जी तो ना हाँ हाँ कहते रह जाएंगे और इन्हीं कपड़ों में बारात सजा लेंगे। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। अच्छा बहू बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। तुम्हारे भैया फौज में है ना, उनसे कह के कैंटीन से 3-4 सूटकेस मंगवा लो। हाँ अम्मा जी, मंगवा लूंगी। वो अम्मा जी एक बात कहूँ। हाँ हाँ बहू पूछो। वो देखो, हम दान दहेज तो कुछ ले नहीं रहे हैं ना, पर वो लोग घर का सब सामान, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, वो सब तो देंगे ना। लेकिन बहू इन सब चीजों की क्या जरूरत है, भगवान का दिया हमारे पास बहुत कुछ है, और सबके कमरे में तो है ये सारे सामान। पर अम्मा जी, हमारी शादी में तो हमारे बाबूजी ने सब कुछ दिया था, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन बहू उस समय की बात कुछ और थी, कितनी बार कह चुकी हूँ मैं, वो समय कुछ और था, अब कुछ और है। हमें तो कुछ और ही बात दिखती है अम्मा जी। क्या दिखता है तुमको? यही कि आप छोटी बहू को हम सबसे ज्यादा चाहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है बहू, ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो। हाँ, हमें सब पता है क्या है। बाबूजी, आप कंचन की बातों का बुरा मत मानिए। देखिए, उसका मकसद आपसे सवाल जवाब करना नहीं था, बल्कि वो तो खुद चाहती है कि ये शादी अच्छे से निपटे। लेकिन अब तक पैसों का इंतजाम हुआ नहीं है, सारा काम कैसे होगा? मैं सब समझता हूँ शेखर, मेरी बेटी की शादी है और मुझे पैसे की जरूरत है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से कर्ज लूं। कल मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी जा रहा हूँ और मास्टर जी भी मेरे साथ जा रहे हैं। अरे उन्हें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा मेरे पैसे के बारे में, वो ऐसे कैसे मेरी मेहनती गाड़ी कमाई हजम कर सकते हैं। बाबूजी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? अरे हमारे पास टाइम है क्या माँ जी? अभी तो उन लोगों पर केस ही दर्ज हुआ है और महीनों लगेंगे, ना हमने किसी को एडवांस दिया है अभी तक, सारा इंतजाम कैसे होगा? हाँ जी, फिर समय पे कोई मिलेगा भी नहीं, इतना जोर है लगन का। देखते हैं तुलसी की माँ, ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ तो सोच रखा होगा हमारी तुलसी के बारे में। अरे ये किसका फोन है? ये मेरा फोन है। तेरा फोन? तेरे पास फोन कहां से आया?
चोरी किया तूने? चोरी किया माँ? देखा, अब ये चोरी भी करने लगी, ये बेइज्जती करवाएगी। हेलो हेलो, कट गया फोन, फोन नहीं उठाया, लगता है सो गए हो। लगता है उसी का फोन था जिसका मोबाइल उठा के लाई है ये। नहीं माँ, हम किसी का फोन उठाकर नहीं लाए। अरे फिर कहाँ से आया तेरे पास ये फोन? साथी ने कहा था किसी से मत बोलना। माँ पूछ रही क्या बोलूं? तुलसी सच सच बता, कहाँ से आया तेरे पास ये फोन? साथी ने दिया है। क्या वो तुझे कहाँ मिल गए? बाबूजी वो नदी किनारे मैं लीची खकनू खेल रहे थे ना, तभी वो मिलने आए थे और उन्होंने ऐसे भी बोला कि ये फोन के बारे में किसी को मत बताना। अच्छा हुआ तुलसी तुमने बता दिया, पर ना पता नहीं लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचते। तुलसी की माँ इसे सुला दो। अरे भाभी आपको तो सब कुछ आता है, फिर आप तुलसी को कुछ सिखाते क्यों नहीं? लक्ष्मी कोई भी कुछ जबरदस्ती नहीं सीखता, सीखने के लिए मन में लगन होनी चाहिए। और ये सारा दिन बच्चों के साथ इधर उधर घूमने से इन्हें फुर्सत मिले तब बैठेंगे ना मेरे पास। और अब तो एक झुनझुना भी मिल गया इन्हें। झुनझुना? हाँ मोबाइल, अब तो महारानी जी के पास और टाइम नहीं रहेगा। अरे वाह तुलसी के पास मोबाइल भी आ गया। हाँ अब ये मत पूछना कि किसने दिया। किसने दिया? लो पूछ ही लिया, अब पूछे बैठे हो तो बता ही देते हैं, उनके होने वाले पति ने दिया। अरे वाह तुलसी के पति ने दिया, बड़ा अच्छा दूल्हा मिला है तुलसी को। तब तो वो फोन में बात भी करती होगी ना? नहीं फोन में बात करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। तब फोन काहे ले दिया? वो फोन करते हैं जब भी बात करनी होती। अच्छा? माँ मेरी गुड़िया, आपने मेरी गुड़िया देखी? मिली नहीं रही है। अरे तुलसी इधर आ,